सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनएच एक्सप्रेस। बड़े अरसे के बाद एक लॉन्ग वीडियो मेरी नईम भाई के साथ हम लोग बना रहे हैं। सो नईम भाई, एक तो ऑडियंस को हेलो है कर दे, बड़े अरसे के बाद आप अब लॉन्ग व्लॉग के ऊपर आ रहे हो यार। थैंक यू वेरी मच काशिफ। तो इतने मैसेज आप लोगों के आते हैं, यकीन माने, लेकिन मैं हर जगह पे नईम भाई का कॉन्टेक्ट नंबर इसीलिए दे देता हूँ कि कोई क्यूरी हुई तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। सो आज पोर्शे आई हुई है, इलेक्ट्रिक पोर्शे हैं हमारे पास, जिसको डायग्नोस कर रहे हैं। नईम भाई, इसका मसला बताएं, इसकी डिटेल बताएं कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है, लोगों को किस किस किस्म के मसले फेस करने पड़ रहे हैं। जी थैंक यू काशिफ, मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में लाइक ट्रबल शूट कोई ना कोई जो इजीली बंदा कर सकता है, या गाड़ी को सेफ रखने के लिए यार ये प्रॉब्लम उसकी गाड़ी में ना आए। अब पोर्श है ये, इस प्लग इन हाइब्रिड, तो इसमें प्रॉब्लम है हाइब्रिड बैटरी से रिलेटेड। और वो प्रॉब्लम क्यों आई कि बिकॉज ऑफ वाटर ड्रेन इसका जो है ना वो बंद हो चुके हुए थे। अच्छा, ये हमारी पैनोरामिक रूफ जो है इसके ड्रेन बंद हो जाते हैं, वो पानी जाता है पीछे पिलर्स में से जो बैटरी पैक है उसके कंपाउंड एरिया में, और वो बैटरी पैक में पानी चला जाता है। इन अ फ्यू डेज क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कभी हाइब्रिड कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सिम्टम्स हैं कि यूजली पानी से ही प्रॉब्लम। अच्छा, ये मसला डिटेल बताने से पहले एक चीज ये जरूर बताइएगा कि जिन्होंने पोर्शे और ये तमाम गाड़ियां, जिसका पहले भी एक पोर्शे का हमें मसला आया था दो दिन पहले, और उसका भी रिव्यू वीडियो जी उसकी भी लगी हुई है, इसका पहला सॉल्यूशन क्या है कि हम उसकी क्या एहतियात कर सकते हैं उसके लिए? एहतियात यही है कि माशाल्लाह पैनोरामिक रूफ तो है, लेकिन हम इसको यूज बहुत कम करते हैं। अच्छा, बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ हमें शौक है हमारी गाड़ी में पैनोरामिक रूफ हो, बट मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदा उसको यूज करता है। सनरूफ खोलना चाहिए, ओपन क्लोज करते रहना चाहिए। अच्छा, और आपको कहीं से भी पानी के कोई निशान नजर आ जाएगा कि पानी का आ गया, ये छत में कोई रूफ में कोई पानी का निशान आ गया, तो फौरन उसको डेफिनेटली आप वर्कशॉप जाए चेक कराएं कि क्यों आ रहा है, बिकॉज उसके ड्रेन बंद हो गया। वर्कशॉप वाला उसके ड्रेन खोलेगा, ओपन करेगा, देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसमें क्या, जो ओपन बाहर गाड़ियाँ पार्क होती हैं डस्ट की वजह से जाकर वो जाना, भाई लाहौर में मतलब पंजाब में पूरे स्मोक है, वैसे ही पाकिस्तान में डस्ट जितनी है, पत्ते गिरते हैं, मतलब आप गाड़ी आधा घंटा बाहर खड़ा करो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। पत्तों वाली बात से भी है कि फ्रंट विंडस्क्रीन में पत्ते गिरते हैं और पत्ते बोनट के थ्रू नीचे इसकी जो ड्रेन वाल है वहाँ भी चले जाते हैं। अच्छा, ड्रेन को आपस में इंटरलिंक है सारे? यस। ओके 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 ओके। डिफरेंट कुछ है कि जैसे लास्ट केस किया था कि आपके वाली सीट के नीचे पानी आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें क्या, इसके पीछे बैटरी पैक में पानी आ गया, बैटरी ऊपर से फ्रंट वाला है, वो पत्तों वाली स्टोरी है कि जी आगे वो पत्ते आ जाते हैं, ड्रेन बंद हो जाता है तो ब्लोअर के थ्रू पानी सारा गाड़ी के अंदर जाता है। एरर क्या आ रहा है भाई, इसका जरा एरर दिखा दीजिए। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही। कोशिश करता हूँ, ये जैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ, देखिए फेलियर, हाइब्रिड सिस्टम फेलियर। ओके ओके, ठीक है ना, तो ये हाइब्रिड का एरर आ रहा है बार बार इसमें। सही 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 सही। इसके लिए हमने इसके हाइब्रिड बैटरी पैक चेंज किया, लेकिन वो यूज है रहने में मुझे मिला कि अवेलेबिलिटी नहीं, मतलब इसका मतलब है कि सिर्फ ये ड्रेनेज का मसला ये नहीं है, हाइब्रिड बैटरी तक ये फॉल्ट पैदा कर देता है। और वो मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं हूँ तो कितने काफी एक्सपेंसिव जा रही है, जिसना डॉलर पर जा रहा है कि मेरे ख्याल में गैस कर सकते हैं कि 70 लाख रुपीस। अच्छा सीरियसली, 70 लाख रुपए की बैटरी है, एक आईडिया नई बैटरी है। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नई बैटरी आपको मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, ऑथराइज डीलर के अलावा आपको बैटरी नहीं मिलेगी, और वो भी अवेलेबिलिटी कराना तो टाइम फ्रेम भी है, पाकिस्तान के जो हालात है, इम्पोर्ट है, वो फैक्टर भी है। सो अच्छा, हमें यूज मिली है, हमने वो डाली है, लेकिन इश्यू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, यानी वो आगे हम उसके रिपेयर में जाएंगे, फिर बैटरी को डिसमेंटल करेंगे, इंटरनली देखते हैं कुछ। अभी डिसमेंटल किया हुआ ना आपने? हाँ, इसकी जो एक्चुअल बैटरी है पुरानी जो, उसको हमने डिसमेंटल किया है, उसको देखा है कि उसके अंदर है क्या। नहीं भाई, अब आए वो ड्रेनेज जहाँ पे ब्लॉकेजेस आती हैं वो भी दिखाएं बाहर से, और प्लस वो दिखाएं हमें बैटरी और चार्जर इसका जो है वो भी जरा दिखाइएगा। मैं आपको जी इसके सारे वो आइटम्स दिखाता हूँ, इवन इसका कि इसका प्लग इन हाइब्रिड जो चार्जर है वो कैसे लगाना है, किधर लगाना है, वो भी है इसके साथ। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं फ्रंट पे, यहाँ पे जब पत्ते स्क्रीन पे आते हैं इस कवर के नीचे देखेंगे वो पत्ते आपको नजर आएंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, इसके लिए ड्रेन है वो बंद हो जाएगा। इस तरह
लेफ्ट साइड पे जाएगा वहाँ से फिर फ्लोर के रास्ते पानी सारा गाड़ी के अंदर। सो कैमरामैन भाई ये जरा थोड़ा सा आगे ला के दिखाएं, यहाँ पे ये के पत्ते छत्ते ये फंसे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्रेन पाइप ब्लॉकेज की फर्स्ट रीजन नजर आ गई है हमें। सो अब पीछे से है, पीछे से बैटरी का है, आप इसका बैटरी का ही करते हैं। ये पूरा बैटरी बैग है बेसिकली, हमने ऊपर से डिसमेंटल किया हुआ है इसको, अभी रिसेंटली मैंने चेंज किया इसको। ओके, यही रीजन है कि जब यहाँ से पानी ड्रेन का इन पिलर्स के थ्रू इस कम पहुँच जाए। अच्छा, आगे से जब गाड़ी चल रही होती है तो वो साथ साथ करते करते वो आ जाती है ड्रेन, और जब इसमें पानी आ जाएगा वो बैटरी बैग के अंदर चला जाएगा। और मैं गलत नहीं हूँ तो 200-300 किलो ये बैटरी है, चार पांच लोगों की ड्यूटी होती है जिस तरीके से ये, क्योंकि ये खुदा ना खासा झटका ना लगे, ये बड़ी चीजों का एहतियात करनी पड़ती है। वैसे में ये जो बैटरी है इसको पूरी को डिसमेंटल किया हुआ दिखा रहा हूं, आफ्टर डिसमेंटलिंग इनसाइड दिखाएं मुझे, आइए व्यूअर्स को भी दिखाएं जो डिसमेंटल किया हुआ है वो बैटरी, अब आप वो दिखाते हैं। ये अभी वो टोटल बैटरी जो फिलहाल आप बैक पोजीशन में देख रहे हैं आपका डिसमेंटलिंग वो ही होता है। ओके, बेसिकली ये दो पैक हैं जो आपस में जॉइंट हुए हैं, वो वाला और ये वाला, और साथ में इसके अंदर बैटरी में अंसर साहब भी आ गए। अंसर साहब बताएं आगे क्या है इसमें। इसमें ये सेल है, ये सेल ब्लॉक है, पूरे एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक के अंदर आई थिंक 13 सेल है, एक ब्लॉक तो टोटल एक बैटरी में 8 पैक है और एक पैक में 13 सेल है। तो ये सीन है, इसी तरह मेरे ख्याल में वो बैटरी भी खोलनी पड़ेगी, उसका निकालना क्या शॉर्टेज है, पानी गया हुआ है या उसके ब्लॉक लीक हो गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है अच्छा दो बैटरी मिक्स करके कोई हम एक बैटरी चाहिए। तो यार यहाँ तक स्टोरी सुनाने का, पूरे ब्लॉग को आप लोगों को बताने का मकसद ही यही है कि पहली एहतियात, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले हमारा ब्लॉग एक लगा हुआ है नहीं भाई ने पोशे कयान की सिक्योरिटीज के ऊपर भी बताया हुआ है कि आप जंगल में जा रहे हो तो वो सिक्योरिटी अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी हाई हो जाए तो उसको कैसे मैनुअल किया जा सकता है, याद है नहीं भाई वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे आपको। आफ्टर एक्सीडेंट अगर आपकी गाड़ी वो चली जाती है स्लिप मोड में चली जाती है, सेफ्टी फीचर है वो गाड़ी लॉक, हाँ उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम सारा गाड़ी से। और बहुत से व्यूअर्स हैं वो पसंद किए माशाल्लाह, उसमें 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने वो व्यू उसको किया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। सो भजन ऐसी एहतियात करें, बाकी कोई क्यूरी हुई नंबर आप लोगों के पास दिया हुआ है नहीं भाई का, अगर नहीं भाई खुद तो कॉल अटेंड ना कर पाए तो उन्हें व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप अगर अटेंड ना करें तो, क्योंकि दुबई में भी हमारी ब्रांच है, पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट रोड के ऊपर भी ब्रांच है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर नहीं भाई का नाम लेता तो खुद आई एम सॉरी टू से नहीं भाई खुद ट्वीट करते हैं, अगर वो व्हाट्सएप भी रिस्पॉन्ड ना करें तो आप ऑडियो भेज सकते हो, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।